सो नमस्कार फ्रेंड, अगर आपका भी रेडमी का फ़ोन है और आपके फ़ोन में कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डोंट कवर द ईयरफोन एरिया। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, दोस्तों आप इसको कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों अभी यहां पर देख सकते हैं, इसका मैं यहां पर बटन दबाऊंगा सबसे ऊपर वाला वॉल्यूम को, तो देख सकते हैं एक केवल वन टाइम यानी कि एक बार के लिए केवल यहाँ पर सॉल्व होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से मैं बैक आता हूँ। आपका जो भी फ़ोन का सेटिंग है, आपके फ़ोन में जहाँ पर भी सेटिंग दिख रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी है, लेकिन अभी यहाँ से मैं इसके होम पर जाता हूँ और यहाँ पर भी सेटिंग दिख रहा है। और यहाँ से अगर नहीं आपको सेटिंग मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी सेटिंग है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा है, लॉक स्क्रीन आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ सेलेक्ट करके जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉकेट मोड। दोस्तों यहाँ पर एक पॉकेट मोड जो, तो इसको दोस्तों आप जब यहाँ पर बंद करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम सिंपल इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर बंद करने के बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ और मैं वापस से चलता हूँ होम पर। मैं इसको फिर से लॉक करके मैं देखता हूँ यहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी वो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं वो हट चुका है दोस्तों। और अगर आपके फ़ोन में यहाँ से पॉकेट मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको फिर से सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सिंपली सर्च के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको लिख देना है पॉकेट मोड। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं POKET। तो जैसे मैं आपको लिख देता हूँ पॉकेट यहाँ पर मोड। दोस्तों इस तरह से अगर आप लोग लिखेंगे तो देख सकते हैं पॉकेट मोड यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से भी आप वहाँ पर जाएंगे तो जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी सेटिंग को मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इसको ऑन करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, तो बट मुझे ऑन नहीं करना है तो मुझे अभी इसको ऑफ ही कर देना। तो मैं यहाँ से बैक आता हूँ क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर आपका काम हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।